हेलो स्टूडेंट्स। तो वेक्टर कैलकुलस का आज ये मेरा लेक्चर है। इससे पहले मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में, जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी ग्रेडियंट की, कि किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। आज मैं बात करूंगा नॉर्मल वेक्टर की, और क्वेश्चन भी हमारा इसी पे बेस्ड है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड इज इक्वल टू फोर एट द पॉइंट टू माइनस टू थ्री। तो हमें क्या करना है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए इस सरफेस पर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखिए, नॉर्मल का मतलब होता है, मान लीजिए ये कॉपी एक मेरा सरफेस है, ठीक है। इस पर मैंने इस प्रकार से ये मार्कर रख दिया, तो ये क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस सरफेस के क्या हो, नॉर्मल हो। और इस वेक्टर का क्या निकालना है हमें, यूनिट। यूनिट का मतलब कैप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हमें वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे हम कहते हैं कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो अपन क्या करते हैं, ए कैप निकालते हैं। तो उसी प्रकार से हमें नॉर्मल वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहां पे, इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस फाई। तो हमने क्या कहा इस लाइन में, कि अगर फाई हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। भाई स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब कोई एक सरफेस है। फाई क्या है, एक सरफेस है। मान लिया कोई एक सरफेस है, तो ग्रेडियंट फाई जो होगा, ग्रेडियंट फाई क्या होगा, एक वेक्टर होगा। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, वेक्टर फॉर्म में। यानी कि ग्रेडियंट फाई का जो रिजल्ट आता है, ग्रेडियंट फाई निकालने के बाद जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या होती है, एक वेक्टर फंक्शन होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देन ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर। ग्रेडियंट फाई तो वेक्टर हो गई, पर ये वेक्टर किस टाइप का होगा, नॉर्मल। किस टाइप का होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। और ये नॉर्मल किस पर है, सरफेस फाई पर। तो सीधी सीधी सी बात है नॉर्मल वेक्टर को समझने की, कि एक सरफेस होगा फाई, एक सरफेस होगा फाई, इस पे परपेंडिकुलर कोई लाइन है या नॉर्मल डाल दिया, तो इस ये नॉर्मल क्या होगा, इस नॉर्मल को मैं निकालूंगा किससे, ग्रेडियंट फाई से। तो फाई हमारा एक अगर सरफेस है, तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, एक वेक्टर होगा। किसके नॉर्मल होगा, सरफेस फाई के। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट फाई। सो दैट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे हम पहले। नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या होता है, ग्रेडियंट फाई। तो यहां पर भी वही चीज है जो कल वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, कि अगर फाई डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो कल भी मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई वाला टॉपिक पढ़ाया था पहले के लेक्चर में, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में। आप देख सकते हैं कि किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं ग्रेडियंट ऑफ फाई की। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, देखिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी, आई कैप डेल बाय डेल एफ प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल जेड। बाहर क्या है, फाई यानी कि स्केलर पॉइंट फंक्शन, और यह स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर, ठीक है। देखिए ये वैल्यू कैसे आई है, मैं मान लूंगा कि फाई बराबर क्या है मेरा,
एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड, यहाँ इसको फोर को मैं यहाँ ले आऊंगा तो बराबर जीरो। तो ये फाइव मेरा सरफेस है। इसका जैसे मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो ग्रेडियंट निकालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो देखिए नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आई कैप। देखिए ये जो वैल्यू है ब्रैकेट वाली, ये वैल्यू सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स के साथ ऑपरेट होगी। तो डेल बाय डेल एक्स का मतलब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको तरीके से समझाना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर। अभी मैं शॉर्टकट करने वाला था पर हो सकता है स्टूडेंट्स को ना आया समझ में, तो मैं पूरा एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ। फिर आएगा जे कैप, फिर डेल बाय डेल वाई के साथ ऑपरेट होगी ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर। ऐसे ही फिर के कैप और डेल बाय डेल जेड के साथ ऑपरेट होगी ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस फोर। सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन वाले रूल लगाए हैं। इसको अंदर मैं जैसे ही लेके आऊंगा तो पहले डेल बाय डेल एक्स के साथ ऑपरेट होगा, फिर डेल बाय डेल वाई के साथ ऑपरेट होगा, फिर डेल बाय डेल जेड के साथ ऑपरेट होगा। तो यहाँ आई कैप एज इट इज आ जाएगा, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में अंदर ये जो वैल्यू है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, वाई एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर बाकी वैल्यू का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस जे कैप एज इट इज आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का वन बाकी का जीरो क्योंकि y और कहीं नहीं है, प्लस k कैप एज इट इज डेल बाय डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में होगा टू एक्स और जेड का वन बाकी की वैल्यू जीरो, क्योंकि बाकी की वैल्यू में क्या है, यहाँ x और y का फंक्शन है और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो जेड के रेस्पेक्ट में बाकी का जीरो हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल वेक्टर जो आया वो क्या आ गया, या आ गया। अब बात कर रहे थे ये किसकी, भाई यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमें इस सरफेस के का क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर के अलावा हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अलावा का मतलब ये नहीं कि भाई नॉर्मल वेक्टर निकालना है, हमें निकालना ही मेन क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मैं बात कर रहा हूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, यही आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वेक्टर की पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। देखिए पहले पॉइंट पर निकाल लो तो आसानी रहेगी यूनिट वेक्टर निकालने की। तो मैं नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, टू माइनस टू और थ्री पर। तो एक्स की जगह मुझे टू पुट करना है, वाई की जगह माइनस टू, जेड की जगह थ्री। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा, सॉरी नॉर्मल वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए नॉर्मल वेक्टर आएगा मेरा एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू माइनस टू, तो दो दुना चार, चार गुना आठ, तो माइनस का आठ आई कैप। फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब दो गुना चार जे कैप। फिर है टू एक्स तो ये हो जाएगा चार के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया मेरा, माइनस एट आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू ये है, कहां पर, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं अब हम। ये कह रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर ये है ये वाला। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जरूर लिख लेना अपना यहां पर कि हम इस पॉइंट पर निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट पर, माइनस आठ आई कैप प्लस चार जे कैप प्लस चार के कैप बटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आठो आठो 64 प्लस चार चौक 16 प्लस चार चौक 16, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के जो कॉफिशियंट है उनका स्क्वायर देख लीजिए। तो ये आ गए हमारे यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू, इसको आप अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आंसर। तो ये भी जो क्वेश्चन था हमारा ग्रेडियंट से रिलेटेड था क्वेश्चन, पर ये ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा लैंग्वेज को उल्टा कर दिया है, थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो। अगर मान लो बोलता कि भाई केवल नॉर्मल वेक्टर निकालो, यूनिट हटा देता,
हमें कहां तक करके आना है, यहां तक, ठीक है। बट यार जैसे कि बात हुई थी यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, तो हम नॉर्मल वेक्टर निकालने के बाद हम निकालेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो है तो ये बिल्कुल वही चीज कि हम पहले ग्रेडियंट निकाल रहे हैं फाई का, फिर ग्रेडियंट निकालने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं ग्रेडियंट फाई की वैल्यू, फिर हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। बट यहाँ थोड़ा सा चीज अलग हो जाती है, क्या वो हो जाती है लैंग्वेज की। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि भाई ग्रेडियंट निकालो, यहाँ ये बोला गया है कि नॉर्मल वेक्टर निकालो। और ये एक लाइन मैंने लिख दी है कि अगर फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, एक वेक्टर होता है। किस ये वेक्टर किस टाइप का होता है, नॉर्मल होता है। किसके नॉर्मल होता है, सरफेस फाई के। और यहाँ फाई क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो जो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हो गया होगा, जैसे यहाँ पर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो इसको मैं अगर एक्स और वाई के फॉर्म में देखूं तो एक सरफेस ही तो है, इसलिए फाई को हम क्या बोलते थे, एक सरफेस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नॉर्मल वेक्टर निकालने के बाद उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला, और उसके बाद हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया। अब यहां पर हमने बात कर ली ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट के बाद अब मैं बात करूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। देखिए डाइवर्जेंस की बात अपन थोड़ा रुक करके करेंगे अभी, पहले मैं ग्रेडियंट पढ़ा दिया मैंने। अब ग्रेडियंट के बाद अब मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकाला जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी वेक्टर का, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाला जाता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले टॉपिक की बात करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पक्का एक क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होने के बाद में अपन बात करेंगे डाइवर्जेंस की। तो पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव के देखने होंगे हमें क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक बेल का आइकन होता है, उस बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करने से ये होगा कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।